आज है डे टू और टाइल शॉपिंग वापस आया मार्केट में। इतने बारिश में भी इनको टाइल शॉपिंग करना ज़रूरी है, तो आज फाइनली जाके हम लोग के चार बाथरूम है नाइगर में और उसका एक बाथरूम का टाइल्स फिक्स हुआ है। एंड आई होप कि जैसा हम लोग ने कलर चॉइस किया है उसके हिसाब से अच्छा बना। मेरे छाता के लिए झगड़ा कर रहे हैं, पापा मारेंगे जल्दी नीचे। छाता छोड़िए सर, मेरा बॉडी किधर और ये छाता का साइज किधर। चूहे ऐसा चल रहा हूँ, वो भी आधा तो भीग रहा हूँ। तू आधा भीगना, मेरे को नहीं भीगने का, बाहर के लिए हो जाएंगे यार। छाता छोड़ दिया इसने, देख कर भी धक्का मार रही है। पाँच मिनट खड़े रहते नहीं है कि वापस आके बैठ जाती है। उधर से हम लोग काम की बात करेंगे, ये दो दो मिनट में आके बैठ जाती है, गूगल सर्च मारती है। ओ माय गॉड, ये मेरे को कितना अच्छा दिख रहा है। मेहनत ऑफ इंटीरियर, व्हाट आर यू डूइंग, जीरो इनपुट, जीरो। मैं उधर जाके खड़े रहकर असली में टाइल्स देख रहा हूँ, गूगल पे नहीं सर्च मार रहा हूँ। अगर वो गूगल वाला इधर नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे तू? अपना दिमाग लगाऊंगी। फिर क्या, खुद चिपक जाएगी दीवार पे टाइल्स के बदले तेरे को चिपकाएंगे। फाइनली हम लोगों ने ये सिलेक्ट किया फॉर द वॉल फॉर द फ्लोर, पता भी अच्छा लगेगा नहीं। हाँ सच में नहीं समझ रहा, पता ही अच्छा लगेगा नहीं। देखो इस लड़की को देखो, छाता लेके भाग गई। मैं यहाँ पे भीग रहा हूँ, ये छाता लेके भाग रही है। ये है वो डंकिन रोड, जैसे हम सारे स्टोर्स में जा रहे हैं, गैलेक्सी मॉल पे, मतलब बहुत अच्छे अच्छे स्टोर्स है यहाँ पे और सब में ही बहुत वैरायटी का सामान है। तो अगर आपको कुछ भी घर वर के लेने हैं, कोई भी सामान, नल से लेके, मार्बल से लेके, टाइल से लेके, सब यहाँ पे मिल रहा है। और ये देखो, ये लड़की को देखो किधर भाग रही है, लड़की देखो। अरे इसमें जाना है डैड, इधर का किधर जा रही है आगे। फाइनली हम लोग मैं और सुमन घर पे आ गए, पापा को उधर ही छोड़िए मार्केट में। पापा और हमारे आर्किटेक्ट अंकल अभी भी शॉपिंग चालू है, बहुत लेट कर रहे थे सब। हाँ बारिश आ रही है, ठंडा पानी आया। मम्मी जबरदस्ती सुमन को खिलाना चाहती है खाना, लेकिन सुमन प्लेट लेके भाग गई ताकि उसको खाना नहीं खाना पड़े। मेरा पास्ता इधर पड़ा है, मेरे को मेरा सर्व करने का मौका नहीं मिला था, मम्मी ने प्लेट भर के डाल दिया। ये खुद को सर्व करिए ताकि इसको ज्यादा खाना नहीं पड़े। ये देख इतना सा, ये कुत्ता भी मेरा इससे ज्यादा खाता है। मैं डाइट पे डाइट में पास्ता कौन खाता है पहले तो तू ये बता। मेरे घर में डाइट में पास्ता नहीं खा ले, सब्जी भिंडी की सब्जी रोटी खा ले, मत खा पास्ता, मत खा फिर डाइट वाली। अभी अभी व्हाइट पास्ता भी खाया है इसके अलावा। अगर ये मेरी न्यूट्रिशनिस्ट देखेगी ना, दो गाली देगी मुझे। ये खाती है, ये डाइट है इसका। देखो ये डाइट वाले, देखो ये फ्राइड सेव खा रहे, थोड़ा सा बोल के दो बार ले लिया इसने। देखिए मैं थोड़ा सा खा रही हूं। तो आज बना है सूप, तो शेजवान चटनी, रेड पास्ता, शेजवान चटनी भी खाएगी ये डाइट वाली। देख एक बार खाने का, अच्छे से खाने का, ठीक है? तो दिन में दो बार ही खाते हैं अपन। तो एक एक बार करके जल्दी दबा दब दूसरे की। तो एक बार खा रही हूँ मैं पूरे हफ्ते में, नो चीट डेज, ओनली वन। हर दिन खाएगी, उस दिन ये बोलेगी हफ्ते में एक दिन, हफ्ते में एक दिन। हाँ तो मम्मी ने दिया है सूप, पास्ता और ये फोर्क, ये हम बचपन से इसी फोर्क से खा। हमारे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे फोर्क है, निकाल के बता सकता हूँ, लेकिन इसी छोटे फोर्क से ही खाने को पड़ रहा है बचपन से। बड़ा फोर्क अच्छा है। हाँ ये फोर्क अच्छा है, हम लोग बचपन से इसी ही खाते हैं। नहीं चाहिए बड़ा फोर्क। अभी नेक्स्ट टाइम जब ब्लॉग आएगा तब फोर्क ये दिखेगा ही नहीं। सब कुछ है ना, सब घर में सजा के रखते हैं, बाद में दहेज में साथ में।
मम्मी के पास ना ऊपर सब कबर्ड भरे हुए ऐसे सामान के साथ, हम हर बार मम्मी वही चीज बोल जाए। हाँ, दहेज में ये सब आना चाहिए। मेरे को खाने में फोक इसलिए नहीं दे रही क्योंकि तू सुगंधी दहेज के लिए बजा रही है। मैं साथ लेके जा, तू तो यही फोक लेके जाना प्लीज, मेरे को नए फोक आएंगे। मान मेरे को वीडियो एंड करना है, बोल खुश रहो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी तुम्हारे आन के वीडियो देख के जंट होती रहे। मर गया तू मेरे हाथ से अभी तो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपनी मुस्कान की चमक से दूसरों को भी हंसाते रहो, की चमकान से सबको हंसाते रहो, दूसरों को भी फुट रहे यहाँ से। ये देखो डाइट करने वाली, मेरे अंदर से भी डाप रही है। ये करेंगे डाइट तो पहले ही ज्यादा लेती है।